हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं जापानीज़ इन्वेस्टमेंट। अभी जो है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं किशिडा, फ्यूमो किशिडा, वो इंडिया आए थे और उन्होंने जो है अनाउंस किया है 3,23,000 करोड़, ठीक है, $42 बिलियन। एक अच्छा खासा अमाउंट है और ये अमाउंट इंडिया के अंदर अगले 3-5 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में। तो किशिडा जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली विजिट उनकी हुई है वो इंडिया में हुई है, तो इससे आप इंडिया की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। और ये जो साल है 2022, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन जो एस्टेब्लिश हुए हैं जापान और इंडिया में, इसका 70वां साल है, क्योंकि 1952 में जापान और इंडिया के जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जापान जो है इन्वेस्टमेंट करेगा अलग अलग सेक्टर में, बेसिकली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना उसमें करेगा। तो अभी किस किस सेक्टर में कर रहा है, एक तो देखिए आप बुलेट ट्रेन 88,000 करोड़ रुपए अगले 50 साल के लिए 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे इंडिया को मिला। 0.1% क्या होता है, नथिंग, ठीक है। उसके बाद 6 अलग अलग शहरों में जो मेट्रो बन रही है वहाँ जापान का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक तो ईस्टर्न है उसमें वर्ल्ड बैंक और कंपनियाँ हैं उनका जो है अपना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो वेस्टर्न है दनकुनी से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक उसमें जापान का इन्वेस्टमेंट है, जाइका का, ठीक है, जापान का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद देखिए जापान इंडिया में 8-9 जगह पर अलग अलग जापान स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहा है, ठीक है। जैसे ही वो पार्क बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के 10-fold इंक्रीज होने वाली है आने वाले कुछ समय में, ठीक है। उसके बाद स्पेस सेक्टर, इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है, जापान का स्पेस एजेंसी है, उसमें भी जो है आपका कोलैबोरेशन हो रहा है। पर इन सब में एक दिक्कत है, वो ये है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं पर जापान और रशिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। और सिंपल रीज़न यह है कि जापान के जो कुछ टापू हैं आपका ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ, उस पर रशिया भी क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है, ठीक है। और एक मज़े की बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जापान और रशिया में कोई भी पीस एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ एक ये सीज़ फायर चल रहा है 1945 से अभी तक, ये सीज़ फायर चल रहा है, इनडायरेक्टली यही कह सकते हैं क्योंकि पीस एग्रीमेंट ऑन पेपर नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्वाड, क्वाड की मीटिंग हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान तीनों ने मिल के जो है रशिया को क्रिटिसाइज़ किया है एक्सेप्ट इंडिया। तो जापान में इस चीज़ की थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका तो अपना हकीकत में जो है एक हिसाब से वाटर या आइलैंड का डिस्प्यूट बोल सकते हैं, ठीक है, आइलैंड डिस्प्यूट है रशिया और जापान का। ऑस्ट्रेलिया का जो है लैंड बॉर्डर या वाटर बॉर्डर में कोई डिस्प्यूट नहीं है रशिया के साथ, न US का है, उनका अपना अलग है उनका अपना अलग है, बट यहाँ पे जो है दिक्कत है। तो जापान कुछ हद तक ये चाहेगा कि इंडिया जो है रशिया का जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करे, बट ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। सबसे बड़ा डिफेंस, उसके बाद ऑयल, गैस, इतनी बड़ी मार्केट हम कैसे छोड़ दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर क्वाड में ये समझाने में अगर कामयाब हो जाते हैं कि चाइना का जो थ्रेट है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रशिया, और उसका रीज़न भी है, रशिया की इकनॉमी 1 ट्रिलियन के आसपास घूमती है, चाइना कितने पे है, चाइना है 15-16 ट्रिलियन के आसपास। तो चाइना कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर साबित होगा आने वाले टाइम में, और जो ये रशिया और यूक्रेन का ब्लंडर है इसमें रशिया से ज़्यादा बड़ा रोल जो है US ने प्ले किया है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आपको रशिया दिख रहा है पर पीठ पीछे जो कहानी लिखी गई है बहुत टाइम से वो US लिख रहा था, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट अगर हम ये समझाने में कामयाब हो सकते हैं जैसे मैंने बताया कि चाइना इज़ बिगर थ्रेट देन रशिया, और हम अगर रशिया को अभी से काउंटर करने लग जाएं तो चाइना और रशिया एक साथ हो जाएंगे,
मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो यूएस है उसको हकीकत में लगता है कि वो चाइना रशिया को जो है काउंटर कर रहा है, चाइना को काउंटर कर रहा है। आप अपने दोनों यूएस के हिसाब से अगर दुश्मन तो कुछ नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में, जियोपॉलिटिक्स में एडवर्सरीज बोलते हैं, अगर यूएस को लगता है कि रशिया उसका सबसे बड़ा एडवर्सरी है और उसको साइडलाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो चाइना के साथ मिलके जाएगा। और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके दो एडवर्सरी एक हो जाएं, वो ज़्यादा घातक है। तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि चाइना एक बिगर थ्रेट है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगी। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो है जापान की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यूएई की इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है उसकी भी इन्वेस्टमेंट आएगी, यूएसए की आती ही है, और भी कंट्रीज़ की आएंगी। तो धीरे धीरे जो है अब इंडिया आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और एक छोटा सा परसेंटेज भी इंटरनेशनल सप्लाई चेन में इंडिया ले लेता है। तो आज देखते हो अब चाइना के खिलाफ कोई बोलता है नहीं बोलता है, आने वाले 5 साल में वो इंडिया के साथ होगा, और 2030 तक तो बहुत कुछ आपको चेंज होते हुए दिखेगा, और हम इस चीज़ के साक्षी रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के जो है मैं चीज़ें ख़त्म करता हूँ। डिफेंस एक्सरसाइज होती है ना, डिफेंस एक्सरसाइज, तो इंडिया और जापान के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है धर्मा गार्डियन, ठीक है? जो इंडिया और जापान के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो है धर्मा गार्डियन, ठीक है? थैंक यू।